कंझावला इलाके में शुक्रवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बदमाश की पहचान गैंगस्टर गौरव उर्फ मोंटी के रूप में हुई है। गौरव अशोक प्रधान गैंग का सदस्य है। कुख्यात गैंगस्टर गौरव हत्या के दो और गोली मारने के एक मामले में वांटेड था। वो अशोक प्रधान गिरोह का डिप्टी कमांडर था और दिल्ली में कई क्रिमिनल ऑपरेशनों का नेतृत्व कर रहा था। कंझावला थाना प्रभारी कुतुबगढ़ में अशोक प्रधान गैंग द्वारा की गई रंगदारी, डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। वांटेड क्रिमिनल गौरव उर्फ और अभिषेक उर्फ जो कि बवाना थाने के घोषित बदमाश है, दोनों इन वारदातों में वांटेड थे और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भागते फिर रहे थे। कंझावला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 16 जुलाई को रात करीब 8 बजे वांटेड क्रिमिनल गौरव उर्फ सेक्टर 37 रोहिणी कराला हेलीपैड इलाके के आसपास आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जर्नैल सिंह कंझावला थाना SHO की सुपरविजन में SI चेतन, हेड कांस्टेबल विक्रम, कांस्टेबल मंजीत, कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल सचिन, कांस्टेबल योगेंद्र, कांस्टेबल अमित और कांस्टेबल सीतेंद्र की एक टीम बनाई। कराला इलाके की घेराबंदी कर SI चेतन ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया। लगभग 10:15 बजे पुलिस टीम ने देखा कि गैंगस्टर गौरव उर्फ मोंटी चोरी की मोटरसाइकिल पर आ रहा है। जैसे ही स्टाफ ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी और 3 राउंड फायरिंग की। पुलिस टीम ने अपने बचाव और वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर गौरव उर्फ पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें बदमाश को दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस टीम ने गैंगस्टर गौरव उर्फ को दबोच लिया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल के नंबर से मोटरसाइकिल की भी जांच की जा रही है। हालांकि गैंगस्टर गौरव उर्फ ने बाइक का नंबर मिटा रखा था। 25 वर्षीय गैंगस्टर जात से पंडित गौरव उर्फ मोंटी पुत्र त्रिलोक चंद बवाना दिल्ली का रहने वाला है। इसका जन्म 1996 में गांव बजीतपुर ठकरान बवाना दिल्ली में हुआ था। इसके पिता SSF में हेड कांस्टेबल हैं। इसका एक भाई अभिनव और एक बहन नीतू है। इसने 10वीं तक पढ़ाई की है। यह बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। शुरुआत में वह राजेश बवानिया गैंग से जुड़ा और उसके बाद अशोक उर्फ गैंग से जुड़ा। 18 सितंबर 2019 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। वर्तमान में गैंगस्टर गौरव उर्फ मोंटी 13 क्रिमिनल वारदातों में शामिल रहा है और 4 क्रिमिनल मामलों में वांटेड चल रहा है। एक मर्डर केस FIR संख्या 316 अंडर सेक्शन 302/120B, 174A, 34, 25/27 एक्ट, पुलिस स्टेशन बवाना में अदालत द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी, जिसमें 3 जून 2020 को जमानत मिलने पर गौरव उर्फ मोंटी फरार हो गया था। रंगदारी न मिलने पर कुतुबगढ़ गांव में एक बर्तन दुकानदार देवेंद्र गांधी के कर्मचारी विशाल की हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर अशोक उर्फ प्रधान के कहने पर गौरव उर्फ मोंटी और अभिषेक उर्फ सेखू ने 50 लाख रुपए की रंगदारी की योजना बनाई थी, जिसमें धमकी वाला पत्र गौरव उर्फ ने अपनी राइटिंग में लिखा था। इनके खिलाफ थाना कंझावाला में दिनांक 26 जून 2021 को एक FIR संख्या 376/21 अंडर सेक्शन 302/392, 397/411, 120B, 201, 212/34 IPC और 25/27 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगस्टर अशोक उर्फ प्रधान थाना बवाना में दर्ज मकोका के एक मामले में भी शामिल है, जिसकी जांच अंडर प्रोसेस है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।